हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ हनुमान मंदिर, और वैसे मैं जाती नहीं हूँ, बट आज जाने का मेरा अलग ही पर्पस है। मैं काफ़ी टाइम से नीम करोरी बाबा के दर्शन करने का सोच रही हूँ, बट पॉसिबल ही नहीं हो पाता। पता नहीं क्यों, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज मैंने इंस्टाग्राम खोला और पोस्ट आया मेरे सामने एकदम से कि अगर तुम नीम करोरी नहीं आ पा रहे हो दर्शन के लिए, मंदिर नहीं आ पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, हनुमान मंदिर चले जाना। तो ऐसा लगा जैसे कि बाबा कोई हिंट दे रहे हैं कि अगर तुम नहीं आ पा रहे हो नीम करोरी मंदिर दर्शन करने, तो किसी भी हनुमान मंदिर चले जाओ। मतलब पोस्ट में लिखा था कि मैं तुम्हें हनुमान मंदिर में दर्शन दूंगा, तो मेरा मन करा कि मुझे जाना चाहिए, तो इसलिए मैं हनुमान मंदिर जा रही हूँ आज। एक और चीज़ कि मुझे बहुत लकी फील होता है कि सबसे पहले तो कि मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया, सेकेंडली मुझे सनातन धर्म मिला, और थर्ड मुझे सरनेम मिला यादव, जो कि हमारे प्यारे कृष्णा जी का भी सरनेम था। तो इस बात का घमंड ही गर्व होता है कि यार हम लोग कितने खुशनसीब हैं कि हमें ये सरनेम मिला है। और अच्छी बात तो तब होगी जब हम कृष्णा जी की कुछ क्वालिटीज़ अडेप्ट कर पाएँ, जैसे कि सबकी रिस्पेक्ट करना, सबसे प्यार करना, धर्म के मार्ग पर चलना। अगर ये सब क्वालिटीज़ हैं तो आप कह सकते हो कि हाँ, हम कृष्णवंशी हैं, वरना तो क्या ही फालतू का घमंड दिखाना और क्या ही कहना। ये तीनों क्वालिटीज़ जो भी अडेप्ट कर ले तो हाँ, तो फिर बात ही क्या है। हमारा सनातन धर्म इतना अच्छा है कि इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, कि इसमें कोई ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई बंदिश है, बाउंडेशन है कि हमेशा आपको ये सब करते रहना, पूजा करनी है। नहीं, बस अच्छे कर्म करो, सबकी हेल्प करो और भगवान का नाम लेते रहो, बस इतना ही करना है हमारे सनातन धर्म में। बहुत ही सिंपल सा धर्म है, और ये हमें सिखाता है दूसरों के धर्मों की भी रिस्पेक्ट करना, हमारा सनातन धर्म। और हमेशा सनातन धर्म में हर पूजा के बाद कुछ लाइंस बोली जाती हैं कि जगत में से, दुनिया में से दुखों का विनाश हो और जग का कल्याण हो। तो ये सनातन धर्म पूरे जग को लेकर चलता है, पूरी दुनिया को लेकर चलता है, सबका कल्याण चाहता है सनातन धर्म। तो आप ही बताओ, इससे अच्छा धर्म और क्या हो सकता है। और मैं यहाँ किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर हमारा धर्म अच्छा है तो हम उसकी सराहना तो कर सकते हैं, उसे एडमायर तो कर सकते हैं, राइट? लोगों ने कर लिए हैं दर्शन। कहते हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर हैं। तमिलनाडु में एक पर्वत है, वो वहीं पर रहते हैं। तो जिसको भी अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं पूरी करवानी है, वो हनुमान जी की पूजा करें। ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी बहुत जल्दी सुनते हैं। ये बोला जाता है कि हनुमान जी की पूजा रात को करनी चाहिए, क्योंकि वो दिन में श्री राम की सेवा में होते हैं, और जब श्री राम विश्राम करने चले जाते हैं तब हनुमान जी अपने सभी भक्तों की सुनते हैं। तो हमें हमेशा हनुमान जी की पूजा रात को करनी चाहिए। कोई भी टाइम फिक्स कर लो, 8 या 9 बजे तक। बाकी ऐसा मैंने पढ़ा था, इसीलिए बोल रही हूँ, सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। ये सोसाइटी ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है, पसंद है। और यहाँ का क्राउड भी जो थोड़ा बहुत दिखता है वो भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा है। मिला यहाँ पे आराम करते हुए पिल्लू। इधर इतना प्यारा हो रहा है, इतनी प्यारी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी एकदम, बस मज़ा ही आ रहा है वॉक करने में। और मुझे लग रहा है मेरे फ़ोन का कैमरा गंदा हो रहा है, तो अभी थोड़ा साफ कर लूँ ज़रा। गाइस, ये बनवा रही है अपनी रील्स यहाँ पर, कोई भी मौका नहीं छोड़ती, कोई भी चांस नहीं छोड़ती है रील बनवाने का। बस जहाँ भी जगह मिले स्टार्ट हो जाती है मैडम। सोसाइटी में ये डॉगीज बहुत ज़्यादा है। और भाई क्या हाल है, बढ़िया एकदम? हाँ भाई, बढ़िया।
कभी व्लॉग बनाने में ना इतनी हेजिटेशन होती है, इतनी वो आती है शर्म सी, कि पता नहीं लोग ऐसे देखते हैं कि क्या ये कर रहे हो, कुछ स्पेशल कुछ अलग मतलब लोग अजीब तरीके से देखते हैं अभी, और इसीलिए हम लोग मंदिर का भी नहीं बना पाए, क्योंकि मंदिर में हम जा रहे हो पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, ना कि कुछ रिकॉर्ड करने के लिए या वहाँ का भी व्लॉग बनाने के लिए। तो अभी थोड़ा मतलब लगता है कि यार नहीं बनाना चाहिए। अभी जब हम मॉल गए थे तब भी वहाँ हम पूरी मतलब अच्छे से हेजिटेट हो रही थी बहुत ज़्यादा, हाँ हेजिटेट हो रही थी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी हम ठीक से व्लॉग नहीं बना पाए थे क्योंकि मतलब शर्म आ रही थी बनाने में, और फिर कहीं बहुत सी जगह अलाउड भी नहीं होता है कैमरा, कैमरे के लिए मना कर देते हैं मैम, रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी, रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी, इसलिए। क्या मिला है रास्ते में, मरा हुआ चूहा। यहाँ पे भी है बहुत शांति, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो सुकून मिल रहा है शांति में, घूमने में मज़ा ही आ रहा है। लोग दिख रहे हैं वो अभी लेज़र लाइट मार रहे थे यहाँ पे, महान कहीं के यहाँ पे चल रही है वीडियो कॉल, न्यूली मैरिड कपल्स की वीडियो कॉल चल रही है यहाँ पे, चल रही है किसी की पार्टी, फाड़ी हो रही है, ये है हम और यहाँ पार्टी हो रही है, पार्टी किसी ना किसी की तो पार्टी हो रही है, हमारी नहीं हो रही है बस। आते हुए कैसी थी और जाते हुए कैसी होकर जा रही है देखो, पहले मैम के हेयर ओपन थे, अब मैम ने मेचर लगा लिया है, और वहाँ देखिए आप इनसाइड लुक पार्टी का। हम लोग आ गए हैं आइसक्रीम खाने, और इसे खानी है एक आइसक्रीम। ये है हमारे आइसक्रीम वाले भैया, भैया चॉकलेट कोन निकाल दो, तूने भी यही बोला मैंने तो ये बोला अरे बड़ी महान है कौन भैया, चॉकलेट कोन निकालो भैया, बटर स्कॉच, चलो बटर स्कॉच दे दो, धन्यवाद भैया, और स्कैन करवा देना ठीक है, स्कैन स्कैन आप हमारे ब्लॉग में। जो भी भगवान को नहीं मानते हैं, जो भी नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान में बिलीव नहीं करते, उनसे वो करना चाहिए यार, भगवान होते हैं, भगवान को मानो, अच्छे कर्म करो, उनका नाम लो, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, और फिर अपनी लाइफ देखना कैसे चेंज होती है। और गाइस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, हाँ भाई बाय गाइस, तब तक के लिए जय श्री राम।